अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसे हमने उल्टा प्रेस करके इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। उसके लिए शलवार की लंबाई हमें बेल्ट से नीचे वाले हिस्से की चाहिए 33 इंच। तैयार लंबाई हमें 33 इंच चाहिए, तो 2 इंच हमने इसके पांचे के लिए मार्जिन रख लिया है। तो बढ़ाने के बाद ये हो जाएगी 35 इंचेस। 35 इंचेस की लंबाई का निशान लगाकर हमने इन्हें बराबर निशान लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो आगे बढ़ गया है ये हम काट लेंगे। निशान हमने बराबर लगाने के बाद जो दरमियान में हमने मेजरमेंट की थी, जहां पे हमने निशान लगाए थे, वहां से हम इसे डबल हुए कपड़े को खोल लेंगे। कपड़े का दरमियान करके हमने इसे इस तरह से आधा चौड़ाई हमने बराबर करके आधा हमने इसे पीछे हटा के इस तरह से इसे तय लगा के रख लिया है, क्योंकि हमें चौड़ाई इसकी चाहिए थी 22 इंच यानी 22 इंच, तो वो हमने बराबर पैमाइश करके अपनी रख ली है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हमने बराबर करके इस तरह से एक तरफ से कपड़ा कम करके रख लिया है। निचले वाले हिस्से की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, वो हमें चाहिए थी 22 इंच, तो उसके मुताबिक हमने इसकी चौड़ाई को इस तरह बराबर करके नाप के देख लिया है। जो हिस्सा हमारा ऊपर का कम है, इसमें हम मियानी डालेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे आसन का निशान पहले लगा लेना है। आसन तैयार हमें चाहिए 9 इंच और कटिंग के लिए हमें चाहिए 10.5 इंच। सिलाई के लिए मार्जिन हमने इसमें 1 इंच बढ़ा लिया है। दूसरी तरफ से हमें पांचे का निशान लगाना है। पांचा हमें तैयार चाहिए 8 इंच। सिलाई के लिए हम 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा लेते हैं। शलवार के दोनों तरफ जो हमने निशान लगाया है, पांचे का और आसन का, इसे हम आपस में मिला देते हैं। हमने जो निशान लगाया है इसे हम अब कट कर लेते हैं। जो कपड़ा हमने यहाँ से निकाला है उसे हम म्यानी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो हिस्सा कम है उसे हम इस के ऊपर लगा कर म्यानी की लंबाई और चौड़ाई इसके साथ बराबर कर लेते हैं। जो हमारा बाहर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके देख लेंगे और इस पर निशान लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट देना है। म्यानी के ऊपर जो पीस हमारा कम पड़ गया है, इसके लिए हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम जोड़ डाल लेंगे। शलवार की लंबाई और चौड़ाई की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। उसके लिए हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। बेल्ट की लंबाई के लिए हमें 28 इंच चाहिए। बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई हमने पैमाइश करके नाप लगा लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। हमने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बेल्ट वाली शलवार की कटिंग आपको बता दी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our